हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल डी टू आर स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। जी हाँ दोस्तों, किसी भी यौगिक रहे सब में कैसे किसी तत्व का ऑक्सीकरण से संख्या निकालते हैं, मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, जो आपको रटना नहीं पड़ेगा कि इसका ऑक्सीकरण संख्या इतना होता है। अब निकालना सीखेगा बहुत आसान तरीके से, तो बस इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल कुछ सीखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं 15 एग्जाम्पल लिया हूँ, तो 15 एग्जाम्पल से मुझे ऐसे कि भली बात आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलता है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं दोस्तों कुछ समय के लिए कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होता, क्या इसको समझ लेते हैं, परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा क्या होता है, संयुक्त अवस्था में किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह पर उपस्थित आवेशों की कुल संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, कुल आवेश होता है, यानी कि उस समूह है, परमाणु है, उसमें कितना कुल चार्ज है हम लोग वही निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग निकाला है 3PO2 में, अब इसे फास्फोरस का निकाल, जैसे रेड में जहां जहां रेड किया हम ना, उसका मतलब है उस तत्व का निकालना, याद रखिएगा। तो जैसे 3PO2 में इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल, इसका मतलब इस यौगिक में फास्फोरस पर कितना आवेश है, याद रखिएगा। और जो ऑक्सीकरण संख्या होता है दोस्तों, वो धनात्मक भी होता है, वो ऋणात्मक भी होता है, वो भिन्नात्मक। ठीक है, धनात्मक भी आपको आ जाएगा, ऋणात्मक भी कभी कभी आ जाएगा, कभी कभी जीरो भी आ जाता है, इस सब बातों को याद रखिएगा। अब देखिए कैसे निकालता हूँ, एग्जाम्पल देखते हैं। H2O है, जो कि यहाँ पे आवेश का चर्चा किया है, तो इसमें हम लोग हर समय आवेश को ही लेंगे, हर समय संयोजकता को लेंगे। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन चूंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन का निकालना, तो जिसको निकालना रहेगा ऑक्सीकरण संख्या उसको एक्स मान लेंगे, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहेगा उसको एक्स मान लेंगे। तो इस मैंने हाइड्रोजन का निकाला जो कि मैं यहाँ पे रेड किया हूँ, तो H2 का निकालना हमारा ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन को एक्स मान लेंगे। तो एक्स मानिएगा दोस्तों, चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन दो को है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। अब प्लस में, क्योंकि सब जो यौगिक होता है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा चिन्ह। और जो ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन का दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन पर आवेश कितना होता है, पढ़े ना, -2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अधातु है और अधातु का जो संयोजकता होता है और आवेश होता है उसमें हमेशा ऋणात्मक होता है, तो चूंकि ऑक्सीजन पर क्या होता है, -2 चार्ज होता है, अब बराबर में 0 हो जाएगा। दोस्तों देखिए, बराबर में 0 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जितना भी यौगिक होता है ना, उस यौगिक का कुल आवेश 0 होता है, जितना भी, जैसे इसका पूरा आवेश 0 होगा, इसका भी पूरा 0 होगा, सब पर 0 होगा, जितना भी यौगिक रहा उसका पूरा आवेश 0 होता है। तो चूंकि हाइड्रोजन का निकालना था तो मैंने इसको एक्स मान लिया, चूंकि ऐसे ऐसे दो हाइड्रोजन है इसलिए 2x हो गया, क्योंकि मैंने सिर्फ एक हाइड्रोजन को एक्स माना। अब चूंकि ऑक्सीजन है, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है ना वो -2 के रूप में होता है, ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, और चूंकि ऑक्सीजन अधातु है इसलिए -2 होता है। ठीक है, समझने बात को ना, अब इसको हल कर दीजिए तो हमारे एक्स का मान आ जाएगा, और जो एक्स का मान आएगा वही तो ऑक्सीकरण संख्या होगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, 2x कर देंगे, क्योंकि ये माइनस का 2 से जाएगा बार में, तो क्या जाएगा प्लस में 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ से दोस्तों आपका एक्स का मान कितना आया, प्लस में 1 आया है, एक्स का मान क्या आया, प्लस में 1 आया। तो जो एक्स का मान जो प्लस में आया है वही आपको जल में H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या हो गया। तो आपसे सवाल यदि कंपिटेटिव एग्जाम में रहेगा तो किसी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि हाइड्रोजल में या H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो क्या बताना है, प्लस होना, ये निकाल के ही बता सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, NO आपको क्लियर हो जाएगा, इतना एग्जाम्पल काफी आपको बनाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसे NO का निकालना है तो नाइट्रोजन को क्या का मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन का क्या होता है आवेश -2 होता है ना, ऑक्सीजन पर -2 आवेश होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है और ऑक्सीजन अधातु है इसलिए इस पर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर में क्या होता है, 0, क्योंकि यौगिक है तो यौगिक का कुल आवेश 0 होता है। हाँ, क्या कर देंगे, तो यहाँ से -2 से जाएगा तो क्या आ जाएगा, +2, तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका, +2, ये +2 आ गया, 0 क्या आ गया, NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, NO में कितना का, +2 हो गया। ठीक है, तो आपको यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा किसका कितना संयोजकता होता है ना, तो मैं आपसे एक आपको देता हूँ आए कि हमारा एक वीडियो डाल दिया गया, उसमें बताऊँ कि किसका क्या संयोजकता, बहुत आसान तरीके से बताऊँ, जब आपको एकदम ट्रिकली याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, तो वीडियो देख लीजिएगा, संयोजकता का ऑलरेडी वीडियो डाला गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, N2O5 का निकालना है, चूंकि N2O5 में नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन को एक्स मान लेंगे, चूंकि ऐसे से दो नाइट्रोजन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब प्लस में दोस्तों देखिए, ऑक्सीजन के 5 ऑक्सीजन है, चूंकि एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, ऐसे से 5 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 × 5 = 0। ठीक है, यहाँ एक था तो इसलिए -2 सिर्फ लिखा हूँ,
यहाँ देखते हैं माइनस टू, लेकिन यहाँ से पांच ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के लिए माइनस टू चार्ज, तो ऐसे से पांच के लिए माइनस टू गुना पांच। अब इसको हल करिए तो क्या आ जाएगा, टू एक्स दोस्तों गुना करेगा तो माइनस में पांच दूनी दस हो जाएगा बराबर में जीरो। तो इसको भेजिएगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा, टू एक्स बराबर दस दोस्तों यहाँ से कटेगा पांच बार में, यानी कि दोस्तों एक्स का मान कितना आ गया आपका प्लस में पांच आ गया। ठीक है, एक्स का मान कितना काट छाट करिएगा ना, यह कैलकुलेशन आपको करना है, बस कंसेप्ट समझिए। तो एक्स का मान प्लस पांच आ गया। इस तरह से दोस्तों इंटू फाइव में हमारा नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, प्लस पांच है। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि हम लोगों को एच टू से फोर का निकालना है, ये हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी। अब इसका निकालना दोस्तों तो सल्फर का निकालना, तो इसको एक्स मानेंगे। चूंकि हाइड्रोजन यहाँ पर दो है दोस्तों, चूंकि हाइड्रोजन का जो समय आता है तो प्लस वन होता है। ठीक है, चूंकि ऐसे से दो हाइड्रोजन है तो क्या कर देंगे दोस्तों, दो गुना वन करेंगे। और दोस्तों सल्फर का निकालना तो इसको एक्स मान लेंगे। और ऑक्सीजन ओ फोर है दोस्तों, यानी ओ फोर यानी कि दोस्तों क्योंकि एक ऑक्सीजन का तो माने दो होता है, ऐसे से चार है तो गुना में चार कर देंगे। अब हल कर दीजिए तो दो हो जाएगा प्लस में, यहाँ करेंगे तो एक हो जाएगा, चार में दोस्तों गुना करेंगे बराबर में जीरो ना दोस्तों, तो माइनस में दो गुना चार करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस में आठ कर जाएगा बराबर में जीरो। अब देखिए आठ में माइनस में आठ प्लस में दो क्या हो जाएगा, माइनस में छः, और उस सट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में सिक्स। इस तरह से दोस्तों एच टू से फोर में आपका जो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना गया, प्लस छः आ गया। ठीक है, अब चलिए एच थ्री पी ओ फोर का निकाल लेते हैं। तो इसको चूंकि इसको भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन का वन होता समय आता तो वन गुना तीन कर देंगे। अब फास्फोरस का निकालना तो इसको एक्स मान लेंगे, और चूंकि ऑक्सीजन चार वो है तो एक ऑक्सीजन का माइनस में दो, इसलिए चार का चार कर देंगे बराबर में जीरो। अब कर लीजिए हल कैलकुलेशन, तो एक में करेंगे तीन से तीन प्लस में एक्स, चार दूनी माइनस में आठ बराबर में जीरो। हल करिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस में पाँच बराबर में जीरो, तो एक्स का बराबर कितना आ जाएगा, प्लस में फाइव आ जाएगा। समझ रहे बात को, यहाँ से यानी कि एच थ्री पी ओ फोर में फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, प्लस पाँच आया, क्या है आपका प्लस में पाँच आया दिया। ठीक है, ये प्लस में फाइव आया है। अब किसका निकाल लेते हैं दोस्तों, बहुत आसान है कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए इसको भी निकाला तो फास्फोरस को एक्स मानेंगे तो एक गुना तीन कर देंगे, फास्फोरस को हम लोग एक्स मान लेंगे। और चूंकि ऑक्सीजन यहाँ दोस्तों दो है, चूंकि एक ऑक्सीजन का जो आवेश होता है उस पर माइनस टू चार्ज होता है, ऐसे से दो ऑक्सीजन, इसलिए क्या जाएगा हमारा माइनस में दो गुना में दो बराबर में जीरो, क्योंकि यौगिक है ना, तो यौगिक का तो कुल आवेश जीरो होता है। अब इसको हल कर लीजिए तो गुना करेंगे तो क्या जाएगा, तीन प्लस में एक्स माइनस में कितना आ जाएगा, चार बराबर में जीरो। तो माइनस में चार प्लस यानी माइनस एक आ जाएगा, उसको साइड भेजेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में एक, यानी कि एक्स बराबर प्लस वन। ये गुना भाग आपको आना चाहिए कि बराबर को साइड भेजेंगे तो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये आना चाहिए। तीन माइनस चार यानी माइनस एक, उसको साइड भेजेंगे बराबर में तो एक्स का मान प्लस वन आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों एसओ फोर पर माइनस टू, इसमें आपको सल्फर का निकालना है, तो वही काम करेंगे। चूंकि इस सल्फर का क्या होता है, एक्स मानेंगे, जिसका निकाल उसे एक्स मानेगा ना। ऑक्सीजन चार हुआ है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का दोस्तों माइनस में दो होता है, अब इसलिए इसको चार हो तो चार कर देंगे। अब बराबर में दोस्तों यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर बराबर में जीरो नहीं होगा, वहाँ तो चूंकि हमें पता नहीं चल रहा था कि एन टू ओ फाइव का आवेश कितना है, एच टू से फोर में कितना है, थ्री पे मोड, लेकिन यहाँ पर आपको एच से फोर में माइनस टू लगा दिया है, इसका मतलब इसका कुल जो आवेश है उस पर क्या है आपको माइनस टू होता है, यहाँ पर बराबर में दो हो जाएगा। क्योंकि माइनस आवेशों की कुल संख्या ना लिखते हैं ना, तो आवेशों की कुल संख्या हमारा क्या दो आ गया, तो इसको कर दीजिए, अब हल करिए तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स क्या आ जाएगा, चार दूनी माइनस में आठ आ जाएगा बराबर में दो। इसको उस साइड भेजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिमाग लगाना, यहाँ पे चूंकि माइनस टू है ना, तो माइनस टू लिखा है। ठीक है, अब इसको साइड भेजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, दो माइनस दो अब प्लस में आठ, इसको गणना कटेगा तो आठ में से दो जाएगा छः, यानी कि एक्स बराबर प्लस छः आ गया। इस तरह से दोस्तों आपको एसओ फोर माइनस टू में किस एक सल्फर का कितना आया, उसका संख्या प्लस छः आ गया। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से एन एच फोर प्लस में निकालना है, तो एन एच एन का निकाल तो इसको एक्स मान लेंगे, और हाइड्रोजन का चूंकि वन होता है, ऐसे से चार हाइड्रोजन है तो वन गुना चार कर देंगे बराबर में वन कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बराबर एक माइनस चार, यानी कि एक्स बराबर दोस्तों माइनस में तीन आ गया। इस तरह से दोस्तों यानी कि एन एच फोर में प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या माइनस तीन आया। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चलिए अब के एम एन ओ फोर में निकालना है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, इसको एम एन को एक्स मान लेंगे। अब पोटासियम का निकालना, तो पोटासियम को पहले क्या करें, देखिए पोटासियम का संयोजकता लिखना, तो पोटासियम का क्या होता है, तो वन होता है ना, यहाँ पे वन लिख देंगे। और एम एन का तो एक्स मान, तो एक्स मान लीजिए। अब ऑक्सीजन का चूंकि माइनस दो होता है, वैसे से चार ऑक्सीजन बराबर जीरो, क्योंकि इसका अयोगिक है। तो यहाँ दोस्तों क्या कर दिए, वन प्लस में एक्स और चार दूरी माइनस में आठ बराबर जीरो, तो एक्स कितना आ गया, एक्स बराबर दोस्तों प्लस में सात आ गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा,
जब ऐसे रहेगा ना, जब किसी एमएन रह जाए या तो सीआर रह जाए, तो उस समय दोस्तों क्रोमियम रह जाए, तो उस सब का जो ऑक्सीकरण संख्या ना होता है दोस्तों वो 6 से ज्यादा नहीं होता है, याद रखिएगा। चूंकि ये अपवाद में है, केमेनोफोर अपवाद, इसलिए मैं इसकी एग्जांपल में लिया था। केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट आपको अपवाद में आता है, इसमें जो एमएन का जो ऑक्सीकरण संख्या जो होता है +7 कभी नहीं होता है। क्या होता है भाई? +7 नहीं होता, क्या होता है? तो 6 होता है, याद रखिएगा, प्लस में 6 होता है। एग्जाम में मैं इसलिए लिया हूँ, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, केमेनोफोर का पूछ दिया जाता है और वहाँ पे 7 लगते, 7 ऑप्शन लगते लेके गलत हो जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा केमेनोफोर में मैग्नीशियम, ऐसे समझिए कि मैग्नीज का हमेशा ऑक्सीकरण संख्या 6 से ज़्यादा नहीं होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, ऐसा होगा, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ये 7 नहीं होगा, 6 होगा, अब निकालेगा तो 7 आएगा लेकिन 6 होगा। अब इसका भी देखिए, इसको भी ऐसे आ गया कंडीशन, K2Cr2O7 का निकालना, तो चूंकि पोटेशियम का तो 1 होता है तो 1 × 2 कर देंगे, क्रोमियम का x मानेंगे तो ऐसे से 2 क्रोमियम है, 2x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन का चूंकि -2 होता है ऐसे से 7 है, तो माइनस में 2 × 7 बराबर 0, इसको करिएगा हल क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ये प्लस में 2x आ जाएगा, 7 × −14 आ जाएगा, तो यहाँ से 2x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस में आपका क्या आ जाएगा 12 बराबर में 0, तो 2x बराबर कितना आ गया 12, कटेगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ गया प्लस में 6, यानी कि दोस्तों K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है +6 होता है, निकाला आता ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेनेट में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या +6 होता है, याद रखिएगा। अब इससे इसका भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे तो हमें फास्फोरस का लोहा का ना निकालना है, तो लोहा का तो एक्स मान लेंगे, चूंकि पोटेशियम है तो पोटेशियम का चूंकि 1 होता है तो यहाँ से 1 × 4 कर देंगे, अब प्लस में Fe का मान तो एक्स मान लेंगे, और जो CN है CN का होल 6 है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि CN जो होता है ना CN पर हमेशा माइनस चार्ज होता है, यानी कि इसका जो आवेश होगा वो -1 होगा, ठीक है। तो गुना कर देंगे -1 से, गुना में 6 कर देंगे, कैसे से 6 है, अब इसको हल कर लीजिए, तो 1 में करेंगे 4 × 4 प्लस में एक्स और माइनस में 6 बराबर में 0, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस में 2 आ जाएगा, यानी कि K4Fe(CN)6 में हमारा क्या लोहा का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है +2 होता है, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए NiCO4 निकालना, तो Ni का निकालना निकल का, तो इसको एक्स मान लेंगे, अब प्लस में देखिए तो CO क्या है, CO दोस्तों यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्वाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब चूंकि दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यौगिक है, मैंने अभी भी बताया था कि जो यौगिक का जो कुल आवेश होता है 0 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो x प्लस 0 × 4 बराबर 0, तो यानी कि x बराबर 0 आ गया। इस तरह से दोस्तों NiCO के होल 4 में Ni का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, याद रखिएगा 0 ऑक्सीकरण संख्या होता है। अब CO2 का निकालना है, CO2 में कार्बन का, तो इसको x मान लेंगे, और ऑक्सीजन का चूंकि -2 होता है और इसे से 2 ऑक्सीजन का 2 कर देंगे बराबर में 0 कर देंगे, तो यहाँ से x माइनस में 4 बराबर 0 दोस्तों, तो x बराबर क्या आ गया 4 आ गया, यानी कि प्लस में 4, यानी कि दोस्तों CO2 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या +4 होता है, याद रखिएगा। अब देखिए आपको इतना एग्जाम्पल मैं लिया हूँ दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको अभी बन गया होगा कि कैसे निकाला जाता है, याद हो गया होगा, ठीक है, अब तो परेशानी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इतना एग्जाम्पल मैं बता दिया हूँ। अब देखिए NH3 का निकालना है, NH3 में नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन को एक्स मान लेंगे, हाइड्रोजन 3 हुआ, चूंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ से 1 × 3 बराबर 0, चूंकि यौगिक है ना तो यौगिक का तो कुल 0 होता है, अब यहाँ से करिए तो x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि दोस्तों x बराबर क्या आ गया -3, यानी कि NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -3 होता है, ठीक है। अब देखिए PCl5 में निकाल लेते हैं फॉस्फोरस का, जिसको एक्स मान लेंगे, अब क्लोरीन दोस्तों क्लोरीन का तो -1 होता है, क्लोरीन का जो -1 होता है वैसे क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है 1 होता है, क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, क्लोरीन अधातु है इसलिए इस पर -1 हो जाता है, ठीक है। चार्ज धातु पर पॉजिटिव होता है और अधातु पर निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे -1, ऐसे से 5 क्लोरीन है तो गुना में 5 बराबर 0, तो कर दीजिए एक्स माइनस में 5 बराबर 0, तो दोस्तों एक्स बराबर क्या आ जाएगा +5। इस तरह से दोस्तों हमारा सरल यौगिक था, 15 मैंने लिया था सिलेक्टिव, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, सबका मैंने ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिया हूँ, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं एग्जाम्पल इसलिए इतना लिया था ताकि आप सब देखते देखते आपको याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था, मैंने आपको सारा बता दिया हूँ, देखिए 15 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया था, सारा हो गया। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सारे उसमें को लगता है कि हार्ड है लेकिन कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको समझना कंसेप्ट क्या होता है, तो बस आपको समझता याद रहेगा ना तो बन जाएगा। जिन स्टूडेंट को समझता नहीं याद है तो वीडियो देख लीजिएगा, मेरा वीडियो डाला गया, उसमें बहुत अच्छे से बताया हूँ मैं, वहाँ पर ट्रिक भी बताया हूँ। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना, वीडियो मेरा कैसा लगा फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल D2Study को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे से महत्वपूर्ण वीडियो आपको सामने लाता रहता हूँ, साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जितने भी पॉइंट वीडियो होंगे आप सामने पहले पहुंचेंगे। और दोस्तों अंत में यही कहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा,
बस शेयर करने में कुछ है तो एक बटन दबाना है। उसमें क्या होगा कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स होंगे कंसर्न में वो भी सीखेंगे, कुछ जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।